संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से लेके 32 तक। पिता ने उससे कहा, बेटा तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, यह खो गया था और फिर मिल गया है। प्रभु का सुसमाचार। सबको जय यीशु। क्रिसम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार जो संत लूकस से लिया गया है, अध्याय 15 पद संख्या 1 से लेके 32 तक, मैंने केवल अंतिम अंश 3 या 4 पद संख्या पढ़ के सुनाया आपको। आज के सुसमाचार में हम 3 लोगों के बारे में या 3 चीजों के बारे में सुनते हैं, जो खो गया था वो मिल जाता है। सबसे पहले प्रभु भटकी हुई भेड़ के दृष्टांत, दूसरी बात खोया हुआ सिक्का और तीसरी बात खोया हुआ लड़का। यानी 3 दृष्टांत के द्वारा प्रभु ईश्वर का प्रेम को, पिता का प्रेम को हमें दर्शाना चाहते हैं। एक लड़का था, वो पिताजी से बहुत नफरत कर रहा था। शायद पिताजी और उनसे तालमेल नहीं था, पिताजी उनको हर बार मारते थे, ढांटते थे। तो एक दिन वो घर छोड़ के चला जाता है, भाग जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं, ये लड़का उदास होता है। वो नफरत भरे जो आह में अपने जीवन बिताता था, उससे वो ऊपर आना चाहता है, घर लौटना चाहता है, पिताजी से प्रेम करना चाहता है। इसलिए रास्ते किनारे बैठते हुए अपने मां को चिट्ठी लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं, मम्मी मुझे पता है मैं घर से कितना दूर हूं, मैं कितना पिताजी से और आपसे दूर हूं, दुखित हूं, वो प्यार मुझे नहीं मिल रहा है, आपके हाथ का पकवान नहीं मिल रहा है, खाने के लिए ढूंढना पड़ता है, मैं बहुत उदास निराश हूं, घर लौटना चाहता हूं, लेकिन क्या मेरे पिताजी मुझे माफ करेंगे, क्या दोबारा बेटे के रूप में मुझे पिताजी आह्वान देंगे। चिट्ठी लिखते हुए कहते हैं, यदि सचमुच मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, उनसे कहिएगा जो घर के आंगन में सेब का पेड़ है उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा बांधेंगे, यदि वो हमसे प्यार करते हैं, यदि मुझसे अभी भी नफरत करते हैं, उस पेड़ पे वो लाल रंग का कपड़ा बांधेंगे। चिट्ठी घर पहुंच जाती है। करीब 15 दिन के बाद लड़का बस में बैठकर अपने घर आना चाहता है, दुखित है, उदास है, डर भी है, क्या पिताजी मुझे माफ करेंगे, क्या पिताजी उस सेब के पेड़ पे सफेद कपड़ा बांधेंगे या लाल होगा। देखना नहीं चाहता है पेड़ को, क्योंकि उनकी उदासता है, वो दुखी है, वो आगे नहीं लाना चाहता है। बगल में बैठा हुआ यात्री से वे कहते हैं, भाई मेरी एक मदद करेंगे आप, जैसे ही इस जगह पे पहुंचेंगे एक बड़ा सेब का पेड़ देखेंगे आप मुझे बताइएगा उस सेब के पेड़ पे किस रंग का कपड़ा बांधा हुआ है, सफेद या लाल। यदि लाल कपड़ा बांधा हुआ है आप मुझे कुछ मत कहिएगा, आप चुपचाप बैठिएगा। दुखित, उदास, निराश लड़का
आंख बंद करके बैठता है और जैसे पास पहुंचता है उस आदमी से कहता है, क्या पेड़ पे कौन सा कपड़े बांधा है? वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, भाई यहां तो ना एक कपड़ा है लेकिन पूरा पेड़ सफेद कपड़ों से भरा हुआ है। क्रिसमस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो होता है एक पिताजी का दिल, दयावान पिताजी का दिल। यदि सचमुच एक पिताजी अपने बेटे से, अपनी बेटी से प्यार करते हैं, वो कितने ही बड़ा पाप क्यों ना कर बैठे। जब इंसान पश्चाताप करता है, अपने पापों को दुखी होता है, अपने पापों से नफरत करते हुए वापस या लौटना चाहता है, कोई भी पिता या माँ उसे दोबारा दिल नहीं टुकराता है। और यही कहानी आज का सुसमाचार में हम सुनते हैं, किस प्रकार वो खोया हुआ लड़का वापस लौट आना चाहता है। क्या उनकी महसूस होगी, क्या बीतता होगा जब स्वरों के बीच में जो स्वर के बचा हुआ खाना वो खाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या आपको जीवन में ऐसा महसूस हुआ है? क्या आप अपने जीवन में खो गए हैं, परिवार से अलग हुए हैं, छोटी मोटी चीज के लिए नफरत किए हैं अपने पिता से, अपने मां से, अपने भाई से, अपने बहन से? क्या कारण होगा? क्या उसके बाद लौटने के लिए कोशिश किया है? लौटने के बाद आपको खुशियां किस प्रकार की थी? क्या दुखित थे आप? आज का सुसमाचार आपको क्या सिखाता है? सबसे पहली बात, पिता का प्रेम, स्वर्गिक पिता का प्रेम। इसलिए संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3:16 कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, एकलौते पुत्र को दिया। जी हाँ, संसार इतना घृणा करता था, संसार इतना पाप में डूबा हुआ था, उसके बावजूद भी एकलौते पुत्र को भेजते हैं। वह है पिताजी का प्रेम। दूसरी बात, दयालुता दिखाता है, पिताजी कितना दयालु है। जब हम अपने पापों को पश्चाताते हुए ईश्वर के पास लौटते हैं, ईश्वर सचमुच हमें क्षमा करते हैं। हमें विश्वास करना है, जी हाँ, प्रभु हमें क्षमा करते हैं। तीसरी बात, वो दूर से क्षमा नहीं करते हैं, वो नजदीक हमें आलिंगन करते हैं, हमें एक महसूस करते हैं। वो अपने दिल से दिल लगाकर हमें दोबारा अपने पास लेते हैं। चौथी बात, जब पिताजी हमें घर में दोबारा लेते हैं, प्रिय भाई तो बहनों, उस नौकर के समान नहीं, उस नफरत हृदय के समान नहीं, और एक बार दोबारा अपने स्वयं पुत्र पुत्री के समान लेते हैं। ये चार चीजों को यदि हम पिता ईश्वर के बारे में जानते हैं, एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, हम पाप करने पर भी वापस दोबारा पिता के पास आएंगे, नफरत नहीं करेंगे, दूर नहीं भागेंगे। शायद हमारे सांसारिक माता पिता से भी हम बहुत बार दूर गए होंगे, छोटी मोटी चीज के लिए बहुत बार दूर गए होंगे, बहुत हम ऐसे शब्दों को कहे होंगे, इनका दिल दुखाया होगा। आज दिन है जब आप ये तीनों दृष्टांत को सुनेंगे, तीनों चीजों को आज का सुसमाचार में सुनेंगे, मेरे प्रिय भाई और बहनों, वापस लौट आइएगा, वापस अपने घर जाइएगा। अपने माता पिता से महान कोई भी नहीं। दोस्त हो सकते हैं, लेकिन कितना दोस्त निभाता है एक दोस्त जब तक आपके पास है। जैसे वो खोया हुआ लड़का, जब तक उनके पास पैसा था, बहुत सारे लोग थे, जैसे खत्म हो गया, वो अकेला हो गया, लेकिन क्या अपने माता या अपने अपना पिताजी आपको त्यागेंगे? त्यागेंगे तो भी क्या हरदम त्यागेंगे? ये प्रश्न हमारे जीवन में, अपने मन में घूमता रहना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं, मेरा पिता मेरी माँ संसार में महान है। उस स्वर्गिक पिता को धन्यवाद दे, प्रिय भाई तथा बहनों, धन्यवाद दे आज के दिन। जैसे संत पौलुस आज के दूसरा पाठ में उस पिता को धन्यवाद देते हैं,
सब कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। कुछ ना होने के बाद भी जो लोगों के नफरत करता था, मार डालता था, तो उसके बावजूद भी पिता ने उसको अपनाया, पिता ने उसको प्रेम दिखाया, यीशु ने अपने उनको महान संत या शिष्य बनाया, क्योंकि उन्हें पश्चाताप किया। क्या मैं आज तैयार हूं पश्चाताप करने के लिए? ये सब समाचार जब सुनेंगे, पवित्र वचन सुनेंगे, मेरे जीवन में क्या महसूस होगा? क्या वचन मेरे दिल को छुएगा? आइए प्रार्थना करें। पिता ईश्वर, जैसे अपने उस खोए हुए लड़के को दोबारा अपने प्रेम में आलिंगन किया था, हम सबों को भी जब हम आपसे नफरत करते हुए छोटी मोटी चीजों के लिए दूर भागते हैं, दोबारा वापस ले लीजिएगा अपने उस प्यार में। यीशु मसीह, आप ही हमारा सहारा है, भरोसा है। जो भी आज का सुसमाचार को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उन सब पर आपकी कृपा हो और आशीष हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।